फ्लाइट नंबर 914, 1955 की वह खतरनाक मिस्ट्री जिसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट नंबर 914 ने अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसे उसी दिन मायामी पहुंचना था। इस फ्लाइट में 57 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। फ्लाइट के उड़ने के ठीक एक घंटे बाद न्यूयॉर्क और मायामी के ठीक बीच में प्लेन अचानक कहीं गायब हो जाता है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से फ्लाइट नंबर 914 को संपर्क करने की लगातार कोशिश की जाती है, लेकिन प्लेन का राडार सेंटर से कुछ ही मिनट के अंदर संपर्क टूट जाता है। फिर इसको ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। कई महीने और कई देशों में विमान को लेकर खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। इस घटना के पूरे 30 साल बाद एक अनजान प्लेन अचानक से वेनेजुएला के काराकास एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मांगता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूछा कि ये प्लेन कहां से आ रहा है और फ्लाइट नंबर क्या है, तो पायलट ने बताया, हम न्यूयॉर्क से आ रहे हैं और ये फ्लाइट 914 है। ये बात सुन के सबके होश उड़ गए और उन्होंने उन्हें जल्दी परमिशन दी। जब ये फ्लाइट काराकास एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो विमान के पायलट ने वहां मौजूद स्टाफ से पूछा कि ये कौन सा साल चल रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने उन्हें बताया कि ये साल 1985 है। ये सुनते ही पायलट ने एक गहरी सांस ली और कहा, ओह माय गॉड। इसके बाद कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही ये विमान फिर से आसमान में उड़ गया। उस दिन के बाद इस रहस्यमयी विमान के बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।